Unites.com, redefining Bollywood. देखिए सच बात क्या है कि इस तरह की बहुत सारी बातें कुछ तारीफ में कुछ बुराई में, जैसे आपने बुराई में की कुछ लोग तारीफ में भी करते हैं, तो बातें हुई हैं लेकिन थीसिस लिखी गई हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं। सच बात यह है कि हम दोनों जब ये काम कर रहे थे, हम तो एक कहानी बना रहे थे, जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, जो चीज़ इमोशनल लगे वो हमने की। हमें ऐसा लगा कि एक कहानी जो अनकही रह जाए, अधूरी रह जाए, वही खूबसूरत है। अगर वो भी आप मुकम्मल कर देते तो एंड फ्लैट सा हो जाता, अगर वो जिंदा ही रहता तो। आप ये बताइए कि क्या ये एंड इतना खूबसूरत होता? नहीं हो सकता। तो इसका आप एक इंटरप्रिटेशन ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में कई तारीफें भी हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं थी, हम तो सिर्फ कहानी बना रहे थे। तो ये आपका जो सवाल है अपनी जगह जायज़ है, लेकिन ऐसा कोई रिजर्वेशन हमारे दिमाग में नहीं था। नहीं, देखिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कई मरतबा, जैसे कि मैं एक सोसाइटी में हूँ, वहाँ जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तो लोग समझते हैं दूसरे दिन वो आदमी जिसके साथ होती है वो हलो करना बंद कर देता है। मतलब वो कहीं ना कहीं उसको समझते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से कोई दुश्मनी हो गई या नाइतफाकी हो गई। या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है दो समझदार आदमियों में, दो रैशनल आदमियों के अंदर, जब भी आदमी यू कैन सॉर्ट इट आउट। या तो ऐसा होता था कि या तो मैं इनको कर दिया करता था कन्विंस, या ये मुझे कर देते थे कोई अच्छा। और ये जब होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ये काले और उस पर सफ़ेद पर नहीं होता, ये एच पे होता है। बहुत बहुत यानी फाइन डिफरेंस होता है जब होता है कि ये ग्रे है या डार्क ग्रे है। अब वो वहाँ अगर कोई आदमी है कि वो कहे मैं उसका कहूँ कि साहब ये रोल शाहरुख खान करेगा, और कह के नहीं सर ये रोल शाहरुख खान नहीं, दिलीप कुमार के लिए अच्छा है, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी होता है कि सक्सेस से आपको मेहनत बहुत कम लगती है लोगों को कन्विंस कराने में। और जहाँ अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए या जहाँ अगर आपकी दो चार पिक्चरें फ्लॉप हुई, तो फिर आपका वही प्रोसेस शुरू होता है जो अब हमारा है। Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.